नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। नुपुर शर्मा को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। लोग सारी हदें को पार करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इतने दिन से यही सुनने में आ रहा था कि लोग नुपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब नुपुर शर्मा के सपोर्ट में इतने दिन में पहली बार रैली निकाली गई। बता दें, ये रैली दो जगहों से निकाली गई है, दिल्ली और वाराणसी से। आप ये तस्वीर भी देख लीजिए पहले की, कैसे रैली निकाली जा रही है नुपुर शर्मा के समर्थन। तो देखा आपने, जहां एक तरफ नुपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी, जुम्मे की नमाज के बाद भी इतना तमाशा हुआ था, और अब दूसरी तरफ नुपुर शर्मा के समर्थन में लोग उतरे हैं। आपको ये भी बता दें, दिल्ली की जामा मस्जिद, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, हैदराबाद, प्रयागराज, मुरादाबाद, लखनऊ और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मुसलमानों ने जुम्मे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया था। कुछ जगहों पर नमाजियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की थी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों को कुछ स्थानों पर लाठी चार्ज करना पड़ा था, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे तथा हवा में गोलियां भी चलानी पड़ी थी। और अब नुपुर शर्मा के सपोर्ट में रैली निकाली गई। अब आपको एक बार मामला भी बता देते हैं। एक टीवी डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। इस दौरान नुपुर शर्मा ने आरोप लगाया था कुछ लोग हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे। इसके बाद उन्होंने इस्लामी मान्यताओं का जिक्र किया और कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की, जिसके बाद से नुपुर शर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। इसके बाद बीजेपी ने एक बड़ा फैसला किया और प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था। भाजपा ने कहा कि हम सभी धर्मों और उनके पूज्यों का सम्मान करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक लेटर जारी किया था और कहा था, भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। इसके बाद से नुपुर शर्मा को निलंबित भी कर दिया गया, फिर भी प्रदर्शन जारी था और अब इतने दिनों में पहली बार नुपुर शर्मा के सपोर्ट में रैली निकाली गई। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।